अक्सर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। इस हेडलाइंस के प्रायोजक हैं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। दिल्ली में पीएम मोदी ने एम्स में राष्ट्रीय वृद्धावस्था केंद्र की रखी आधारशिला। एजिंग सेंटर में बुजुर्गों को मिलेंगी मल्टी स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाएं। पीएम ने कहा 2025 तक देश को टीवी से करेंगे मुक्त। सामना में शिवसेना का बीजेपी सरकार पर हमला। मोदी और फडणवीस सरकार को बताया थानाशाह। कहा पर्यावरण प्रेम का ढोंग कर रही मोदी सरकार। आज राजकीय सम्मान के साथ शहीद एएसआई अमृतलाल का हुआ अंतिम संस्कार। सीएम शिवराज ने दी शहीद एएसआई को श्रद्धांजलि। सरकार ने दिया है एएसआई अमृतलाल भिलाला को शहीद का दर्जा। भोपाल में कांग्रेस के समानता सत्र का तीसरा दिन। डमी विधानसभा लगाकर कांग्रेस जता रही विरोध। कांग्रेस विधायक विधानसभा के सामने बैठकर जताएंगे विरोध। मंदसौर रेप केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। सीएम ने कहा फास्ट ट्रैक के जरिए दोषी को जल्द से जल्द दिलाई जाएगी सजा। मासूम का इंदौर एमवाई अस्पताल में चल रहा इलाज। छत्तीसगढ़ में जाली नोटों की बड़ी खेप बरामद। महासमुंद पुलिस ने 7 लाख नकली नोट के साथ 7 लोगों को किया गिरफ्तार। आसपास के गांव में लगातार नकली नोट खपाने की मिली थी सूचना। और देहरादून में महिला टीचर ने सीएम के जनता दरबार में किया हंगामा। 20 साल से एक ही स्कूल पदस्थ महिला टीचर ने की ट्रांसफर की मांग। हंगामे से नाराज सीएम ने निलंबन के दिए आदेश। नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। बुलेटिन की तमाम खबरों के साथ मैं मनीष राजपूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स और सफदरजंग अस्पताल में आज कई प्रोजेक्ट की शुरुआत की। पीएम मोदी ने यहां एम्स में बुजुर्गों के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र की आधारशिला रखी और सफदरजंग अस्पताल के अत्याधुनिक ब्लॉक एवं आपातकालीन ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश में बदलाव महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमने ये कल्चर बंद किया, हम पत्थर जड़ने के लिए यहाँ नहीं आए। हमें उम्मीद है इस काम में आप लोग हमारा साथ देंगे। साथियों, भारत जैसे हमारे विशाल विकासशील देश के लिए सस्ती, सुलभ, सुरक्षित और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं जुटाना कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, इससे आप भलीभांति परिचित हैं। राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार देश भर में स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है। ये सरकार के निरंतर प्रयासों का परिणाम है कि आज देश में अस्पतालों में बच्चों को जन्म देने का प्रचलन, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, उसका प्रचलन बढ़ा है। साथियों, देश के हर नागरिक तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना इस सरकार का लक्ष्य है। लेकिन आप भी सक्रिय सहयोग के बिना, आपके साथ बिना, यानी पूरी इस मेडिकल दुनिया के साथ के बिना। निषादपुरा थाने के एएसआई अमृतलाल भिलाल की मौत के बाद उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया। वहीं उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने सीएम शिवराज सिंह और डीजीपी ऋषि कुमार शुक्ल ने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। श्रद्धांजलि समारोह नेहरू नगर पुलिस लाइन में किया गया। इस मौके पर पुलिस विभाग के आला अधिकारी और पुलिस बल भी मौजूद रहा। सीएम ने कहा कि दुख की इस घड़ी में हम परिवार के साथ हैं और आरोपियों पर तत्परता से कार्रवाई होगी। सरकार शहीद अमृतलाल भिलाला के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देगी। इसके साथ ही सरकार द्वारा शहीद के बेटे या बेटी को शासकीय नौकरी दी जाएगी। और 19 जून को उस घटना के दिन की रात में तेजी से हुई आदमी गाड़ी को देख कर भी उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, रोकने का प्रयास किया और उसी प्रयास में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वो शहीद हो गए, इस दुनिया से विदा हो गए। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। उनका परिवार
उनकी धर्मपत्नी हमारे बीच में है, चारों बेटे बेटी इस दुख की घड़ी में अकेले नहीं है, पूरा पुलिस परिवार, मैं, पूरा प्रदेश उनके साथ है। उन्होंने चूंकि अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए अपना बलिदान दिया है, इसलिए उनको शहीद का दर्जा दिया गया है। उनको 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि उनके नाम पर, परिवार से बात करके कुछ और मैं उचित समझे, हम कोई संस्थान का संस्था का नाम रखेंगे, उनकी प्रतिमा पर चौरिया जैसा तय करे पुलिस परिवार वो भी लगाई जाए। भोपाल के गोविंदपुरा में दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ चेतक ब्रिज के पास एक कचरा बीनने वाली शिक्षिका को अपनी हवस का शिकार बनाया गया। घटना 19 जून की है। इस दौरान आरोपी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। बताया जा रहा है शिक्षिका की दिमागी हालत ठीक नहीं है थी और वो अपने घर से कहीं चली गई थी, जिसकी रिपोर्ट परिजन उन्हें बैरागढ़ थाने में दर्ज कराई थी। इस बीच वो गोविंदपुरा पहुंच गई, जहां आरोपी की नज़र उस पर पड़ी और उसने मौका देखकर वारदात को अंजाम दिया। और इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, जहां फिर जनता दरबार में शामिल शिक्षिका को उसकी मांग पूरी ना होने पर निलंबित कर दिया गया। आपको बता दें, जनता दरबार में शामिल गुहार लगाने वाली शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया। बिना विभागीय अनुमति के जनता दरबार में जाने पर यह कार्रवाई की गई। जनता दरबार में सीएम से अभद्रता करने पर एक कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, जनता दरबार में तबादला करवाने की गुहार लगाई गई थी। देहरादून में जनता दरबार में गुहार लगाने वाली शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया, जो कि बिना विभागीय अनुमति के जनता दरबार में जाने पर यह कार्रवाई की गई। इसकी तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए अनुज, क्या है पूरा मामला? जी, जिस तरीके से कल जनता दरबार लगाया था मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, और वहाँ पे सभी फरियादी आए हुए थे अपनी फरियाद को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के, तो वहीं अचानक एक महिला आई और महिला ने अपनी समस्या बताई। और चूंकि मामला इस तरीके का था कि महिला 20 साल से करीब दुर्गम क्षेत्र उत्तरकाशी में प्रधान अध्यापिका है, और उसके 5 साल पहले उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके 2 बेटे और देहरादून में रह रहे हैं। तो उसका ये कहना था कि हम अपने ट्रांसफर के लिए आए, हम काफी आपसे भी मिल चुके हैं और पहले भी जनता दरबार में आ चुके हैं, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकला है, आज हम फिर आए हुए हैं आपके पास। तो मुख्यमंत्री ने एक शब्द बोला कि किस तरीके से अगर आपने पहले ज्वाइनिंग करी थी तो क्या आपने फॉर्म में ये चीज लिखी थी कि हम दुर्गम में जाएंगे या सुगम में जाएंगे। तो इसको लेकर के महिला ने भी अपना आपा खोला और मुख्यमंत्री को कुछ अपशब्द कहे। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक अलग चेहरा सामने आया है, एक अमानवीय चेहरा सामने आया जिस तरीके से देखा जा सकता है। उन्होंने महिला को तुरंत निलंबन के आदेश दिए और साथ ही साथ कस्टडी में लेने के भी आदेश दिए। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का इस तरीके का चेहरा सामने आ रहा है, चूंकि वो प्रदेश के मुखिया है और उनको अपने जो कहा जा सकता है एक तरीके से फीलिंग्स और इन सब चीजों को बांध पे रखना चाहिए। आप राज्य की जनता है और जनता की हर समस्या होती है और उनका निदान करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी, क्योंकि जनता ने आपको चुना और चुन करके इस पदवी पे बैठाया हुआ है। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने अपना आपा खोया और महिला को निलंबन तत्काल रूप से आदेश दे दिए। और जब ये पूरा वाक्या हुआ, इसको लेकर के फिर मीडिया गलियारों में भी चर्चाएं बनी रही, साथ ही साथ विपक्ष को भी एक बड़ा मुद्दा मिल गया। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी घटना हुई है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की इस तरीके की जो एक कहा सकता है घटनाक्रम हुआ है, इसको लेकर के विपक्ष ने भी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इसको लेकर के निशाना साधा है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मुख्यमंत्री एक गौरवान्वित एक पद होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की प्रतिक्रिया करना मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। तो वही त्रिवेंद्र सिंह रावत से जब इस बारे में बात करी गई, तब उनका साफ तौर पर यह कह रहा था कि कोई ऐसा कोई बड़ा मामला नहीं है और इंसान को अपने मर्यादा में रहना चाहिए। तो पूरा मामला इस तरीके का पूरा घटित हुआ और आज उस महिला का निलंबन भी हो चुका है। शिक्षा सचिव है, उन्होंने उसका निलंबन भी कर दिया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता अनुज, जिन्होंने तमाम जानकारी दी इस कार्रवाई को लेकर। आपको बता दें, देहरादून में जनता दरबार में
गुहार लगाने वाली शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया। आपको बता दें देहरादून के सीएम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने यह कार्रवाई की। बिना विभागीय अनुमति के जनता दरबार में जाने पर यह कार्रवाई की गई। जनता दरबार में सीएम से अभद्रता करने पर यह कार्रवाई हुई। आपको बता दें जनता दरबार में तबादला करवाने की ये गुहार लेकर आई थी। मंदसौर जिले से दुष्कर्म की पीड़ित मासूम बच्ची का इंदौर के एमवाई अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, जहां एमवाई अस्पताल के अधीक्षक वीएस पाल ने बताया कि मासूम की हालत को देखते हुए मासूम बच्ची की सर्जरी भी की गई है। वहीं उसे आईसीयू में रखा गया है। उसके इलाज के लिए डॉक्टरों की विशेष टीम बनाई गई। गौरतलब है कि मंगलवार को स्कूल की छुट्टी के बाद आरोपी ने बच्ची को मिठाई खिलाने का लालच दिया था। पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए आरोपी की पहचान कर गिरफ्तारी कर ली है। वही घटना के विरोध में आज नीमच के सर्व समाज ने संपूर्ण शहर स्वैच्छिक बंद का आह्वान किया। वहीं सीएम ने कहा कि पीड़ित की हालात सुधर रही है, केस की शीघ्र सुनवाई और आरोपी को फांसी होनी चाहिए। बहुत दुखद है, नरेंद्र जी की पराकाष्ठा है। अपराधी पकड़ लिए गए, बेटी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, लेकिन अपराधी छोड़े नहीं जाएंगे। उनको जल्दी से जल्दी फांसी की सजा हो जाए, फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। इसलिए पुलिस तो तत्परता के साथ कार्रवाई करेगी ही। मेरी चर्चा हुई है और मैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए हैं ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए, जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और ये दोनों दरंदे फांसी के फंदे पर लटक जाएं, इसका पूरा प्रयास करेंगे। कोई कसर इस पर नहीं छोड़ेंगे। ऐसे दरिंदगे इस धरती पर बोझ है। भोपाल पुलिस को करौंद में बीजेपी नेता का रेस्टोरेंट बंद कराने की कार्रवाई उस वक्त महंगी पड़ गई जब नेता के सैकड़ों समर्थकों ने पुलिस की कार्रवाई को रोक दिया, साथ ही पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी भी की। इस दौरान किसी ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है पुलिस यहां देर रात तक रेस्टोरेंट खुला होने पर उसे बंद कराने पहुंची थी। सरकार पर निशाना साधते हुए नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि भाजपा शासन काल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। जब इनकी ही विधायक नीलम मिश्रा की सुनवाई नहीं की जा रही, विधायक ही धरने पर बैठ रहे हैं, तो आम जनता की सुनवाई कैसे होगी। साथ ही मंत्रियों के दबाव में प्रशासन के काम करने का आरोप लगाया। वहीं अजय सिंह के दावा किया है कि अगर बीजेपी अब की बार 99 पार करती है तो मैं नाम बदल दूंगा, लेकिन यह नहीं कहूंगा कि किसका नाम बदलूंगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, पता नहीं कितने भारतीय जनता पार्टी के विधायक धरने प्रदर्शन न करने लगे। ये तो अभी सिर्फ शिवराज सिंह जी का आहोमंडल है कि मुख्यमंत्री हैं और अभी कुछ मजदूर लोग टिकट कट जाएगा, लेकिन देखते चलिए बहुत सारी घटनाएं इस तरह की होंगी। तो सर, ये से किसानों की आत्महत्या के मामले में भी प्रदेश अव्वल है देश में। किसानों की आत्महत्या अव्वल है, बलात्कार के मामले में अव्वल है, कुपोषण के मामले में अव्वल है, किस चीज में अव्वल नहीं है वो सिर्फ रोजगार देने। मंदसौर में दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए नीमच में बंद का आह्वान किया गया। सुबह से ही दुकानें और बाजार बंद रहे, सभी गलियां सूनी दिखाई दी। व्यापारियों ने भी इस बंद का समर्थन किया। इस बंद का आयोजन आरोपी को फांसी देने की मांग को लेकर किया गया है। बंद को सफल बनाने के लिए ट्विटर और व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल खूब किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में क्राइम ब्रांच की टीम ने जाली नोटों का धंधा करने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए करीब 8 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये 7 लोग महासमुंद जिले के गांव में रैकेट चलाते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक मारुति वैन, 6 मोबाइल, नोट छापने की मशीन, प्रिंटर समेत नोट बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि इन आरोपियों से पूछताछ के बाद जाली नोटों के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हो सकता है। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की दरबार में शिक्षिका को सुनाए गए फरमान पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हरदेश ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा, सीएम के पास कलम है, पावर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इसका गलत इस्तेमाल करें। शिक्षिका की बात सुनने से पहले ही सीएम धैर्य खो बैठे। वहीं इस मामले को लेकर मसूरी विधायक गणेश जोशी ने कहा कि जो भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुख्यमंत्री को धैर्य नहीं खोना चाहिए। मुख्यमंत्री
कभी कभी पीड़ित व्यक्ति अपना गुस्सा भी जाहिर कर सकता है। तो यही सिखाया गया है, जो बड़े पद पर है उसे संयम और धैर्य बरतना चाहिए। मैंने मुझे किसी ने चलते फिरते वो वीडियो दिखाया, वो अच्छी बात नहीं, हो सकता उसे सस्पेंड भी कर दिया गया हो, और हम अगर यदि सस्पेंड किया होगा तो मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत भी कहें। लोकतंत्र का ये मतलब नहीं है, मुख्यमंत्री जब हो जाता है तो किसी पार्टी का नहीं होता, प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत नज़दीक से जानता हूँ, हमने साथ काम किया है, बड़े सौम्य हैं, कभी तैश में नहीं आते। और ऐसे मुख्यमंत्री के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उस महिला ने किया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और महिला ही नहीं, सामान्य महिला ही नहीं। उत्तराखंड विधानसभा में कांग्रेस कार्यकाल के दौरान हुई 164 नियुक्तियों पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल का बचाव करते हुए कहा कि कुंजवाल ने अपने विशेष अधिकारी का प्रयोग करके नियुक्तियां दी है, जिसके लिए कभी विज्ञप्ति नहीं निकाली जाती। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा कि कांग्रेस की संस्कृति ही घोटाला करने की रही। इस मामले को बीजेपी ने उस वक्त भी उठाया था, लेकिन कांग्रेस ने कोई कार्यवाही नहीं की। कुंजवाल जी का समय मत कहिए, ये एक अधिकार है स्पीकर को कि जो रिक्तियां होती हैं उसमें वो नियुक्ति करते हैं। जिसने कहा विज्ञप्ति नहीं निकाली, विज्ञप्ति कभी नहीं निकलती है, और जो एप्लीकेशंस होती हैं पेंडिंग या आती हैं उन्हीं के आधार पर ये विशेषाधिकार प्राप्त है। इस विशेषाधिकार में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी रहने का मुझे मौका मिला, सदैव यही होता रहा है। और उसके आधार पर उन्होंने जो बेरोजगार है उन लोगों को अवसर मिला है, क्या जांच की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए है कि फिर तो जब से विधानसभाएं बनी है देश भर की विधानसभाएं किसका करोगे, मैं तो उत्तर प्रदेश के 100 उदाहरण दे सकती हूँ। मैंने ये मामला उस समय उठाया था और बहुत जोर शोर से हम लोगों ने इस बात को उठाया था, लेकिन चूंकि मामला सब जुडिस है, न्यायालय के अंदर है, तो मेरा इस पर कुछ भी बोलना आज उचित नहीं है। नहीं, कांग्रेस की तो संस्कृति रही है, कई जगहों पर उन्होंने ऐसे काम किए हैं। चूंकि सरकार तो 18 मार्च को ही गिर गई थी 2016 में, आप सबको पता है, लेकिन कमरे के अंदर आके ये कह दिया गया कि अध्यक्ष जी ने। बुलेटिन में फिलहाल इतने ही, चलते चलते एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में पीएम मोदी ने एम्स में राष्ट्रीय वृद्धावस्था केंद्र की रखी आधारशिला। एजिंग सेंटर में बुजुर्गों को मिलेंगी मल्टी स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाएं। पीएम ने कहा 2025 तक देश को टीबी से करेंगे मुक्त। सामना में शिवसेना का बीजेपी सरकार पर हमला। मोदी और फडणवीस सरकार को बताया तानाशाह का पर्यावरण प्रेम का ढोंग कर रही मोदी सरकार। आज राजकीय सम्मान के साथ हुआ शहीद एएसआई अमृतलाल का अंतिम संस्कार। सीएम शिवराज ने दी शहीद एएसआई को श्रद्धांजलि। सरकार ने दिया है एएसआई अमृतलाल भिलाला को शहीद का दर्जा। भोपाल में कांग्रेस के समांतर सत्र का तीसरा दिन, डमी विधानसभा लगाकर कांग्रेस जता रही विरोध। कांग्रेस विधायक विधानसभा के सामने बैठकर जताएंगे विरोध। मंदसौर रेप केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। सीएम ने कहा फास्ट ट्रैक के जरिए दोषी को जल्द से जल्द दिखाई जाएगी सजा। मासूम का इंदौर एम्बा अस्पताल में चल रहा इलाज। छत्तीसगढ़ में जाली नोटों की बड़ी खेप बरामद। महासमुंद पुलिस ने 7 लाख नकली नोट के साथ 7 लोगों को किया गिरफ्तार। आस पास के गाँव में लगातार नकली नोट खपाने की मिली थी सूचना। और देहरादून में महिला टीचर ने सीएम के जनता दरबार में किया हंगामा। 20 साल से एक ही स्कूल में पदस्थ महिला टीचर ने की ट्रांसफर की मांग। हंगामे से नाराज सीएम ने निलंबन के दिए आदेश। इस हेडलाइंस के प्रायोजक थे। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।